अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय शो विच इज न्यूट्रिशन। आज हम आपको बताएंगे न्यूट्रिशंस के बारे में। हमेशा ही हम आपको बताते हैं न्यूट्रिशंस के बारे में। आज हम लोगों के पास बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत इंटरेस्टिंग आइटम्स हैं जिनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। बेसिक इंपॉर्टेंट आज मैंने इसमें कोई इंडिविजुअल ऐसा रखा नहीं है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूं। मैं आपसे इन टोटल जितने भी हम फ्रूट्स यूज करेंगे उनके बारे में बात करूंगी। वी यूजिंग बनाना। बनाना जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे ये एप्पल जो है, ये देखिए हमारे पास चंक्स है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एप्पल। हमने बनाए हैं टू इंचेस हम लोगों के चंक्स हैं और बहुत हेल्थ। हम लोग एप्पल का यूज अपनी लाइफ में एप्पल जूस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद पीच है हमारे पास, पीच हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। देन वी हैव मैंगो। मैंगो इज फुल ऑफ हेल्थ। मैंगो को लोग कुछ लोग कहते हैं फैटनिंग और मैंगो से मोटापा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो अभी हम लोग अपनी रेसिपी के साथ चलते हैं और मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊंगी कि हमें क्या क्या चीजें किस किस तरीके से हमें इसमें करनी है। हम लोग फर्स्टली विल स्टार्ट ऑफ विद दीज बैंगा। हम बनाना के करेंगे स्लाइसेस। हम लोग आज बना रहे हैं क्रीम फ्रूट सैलेड जो है वो बहुत हेल्दी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसमें बहुत फ्रूट यूज करने वाले हैं। मार्केट भी हम यूज करेंगे, हम इसमें आइसिंग शुगर भी यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे बनाना जो है वो स्लाइस्ड हो गए हैं। अब हम इस बोल के अंदर, मिक्सिंग बोल के अंदर क्या करेंगे, पहले हम लोग अपने क्रीम विच इज 1 कप एंड आई नीड अ स्पून फॉर दिस। हमने इसमें क्रीम डाल दी 1 कप। और हम इसमें मेयोनीज डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। आइसिंग शुगर डल गई इसमें। हम इसमें व्हाइट पेपर डालेंगे, व्हाइट पेपर नॉट मच, थोड़ा सा। सैलेड इतना अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमें ब्लैक पेपर भी डालना है उसमें, इसलिए हम व्हाइट पेपर का अमाउंट थोड़ा कम डालेंगे। ब्लैक पेपर भी हम इसमें डालेंगे और सॉल्ट भी डालेंगे थोड़ा सा। ये हो गया डन यहाँ पर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। सबसे अच्छे तरीके से साफ करके मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे अपने बनाना। 2 बनाना लिए थे मैंने। साइज आप हमेशा अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं, बड़े या छोटे। आपको अगर बनाना का यूज ज्यादा पसंद है अपने सैलेड में तो आप ज्यादा बनाना भी डाल सकते हैं। उसके बाद वाटरमेलन सीडलेस। और हम उसके बाद डालेंगे एप्पल चंक्स। हम लोगों को इसको पील ऑफ नहीं करना है, हम बस ऐसे ही डालेंगे। इसमें फिर हम डालेंगे पीच। पीच भी हम पील ऑफ नहीं करेंगे, पीच के भी बस हमने चंक्स बनाने हैं और इसमें डाल देने हैं। उसके बाद हम ग्रेप्स भी यूज करेंगे इसमें 1 कप। ये सब जो हमने फ्रूट्स डाले हैं एक एक कप ही डाले हैं। मैंगो चंक्स भी हमने इसमें डाल दिए हैं, ये भी 1 ही कप है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, टॉस करना है बेसिकली। इसको टॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई नो दिस। आपको जल्दी से इसकी प्रेजेंटेशन दिखा देती हूं मैं। हम लोग लेंगे सैलेड लीव्स फॉर प्रेजेंटेशन। हमने एक अच्छा सा व्हाइट बोल लेना है, उसमें हमने सैलेड लीव्स रखने हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, मनपसंद वनस्पति हम लोग अपने खाने में आज यूज नहीं कर रहे। एंड अगर हम अपने खाने में इसको यूज करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी डिश अपने घर में जरूर बनाइएगा ये डिश भी। मनपसंद वनस्पति ऑयल जरूर अपने खाने में यूज करिएगा, क्योंकि आई थिंक इट्स द बेस्ट। Because I use it at my home, my mother likes it, my family likes it. जो भी खाना मैं उसमें फ्राई करती हूँ, जो भी चीज़ उसमें फ्राई करती हूँ, and आप लोग हमेशा मेरी बनाई हुई रेसिपीज अपने घर में ट्राई करेंगे, अपनी दुआ में मुझे याद रखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे और अपने आस पास के जितने भी लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।